हाथरस में एक 10 वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले आरोपी की सजा का कोर्ट ने ऐलान कर दिया है। पॉक्सो एक्ट कोर्ट के न्यायाधीश ने नाबालिग से रेप और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 1,20,000 का जुर्माना भी लगाया है। करीब 3.5 महीने कोर्ट में चले इस मामले के आरोपी चंद्रपाल को रेप और हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अभियुक्त चंद्रपाल को तब तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाए जब तक उसकी मौत न हो जाए। एडीजीसी राजपाल सिंह दिसावर ने बताया कि ये दूसरी फांसी की सजा पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश प्रतिभा सक्सेना द्वारा सुनाई गई है। यह अभियुक्त 9 वर्ष की अबोध बच्ची को उसके पिता के पास सोते हुए उठा ले गया और उसे रेप कर उसकी गर्दन दबा करके उसकी हत्या कर उसकी लाश को नाले में बहा दिया। 23 तारीख को उसकी लाश सुलझिया नाले में गाँव के लोगों ने निकाली। लोगों ने तस्दीक किया, लड़की की शिनाख्त हुई और उसके बाद ये मुकदमा 247/2021 थाना हाथों जंक्शन पर पंजीकृत हुआ 302-201-376 में। उक्त मामले में आज मात्र 18 कार्य दिवसों में मान न्यायालय ऑनरेबल प्रतिभा सक्सेना द्वारा इस अभियुक्त को फांसी की सजा से दंडित किया गया है। 376 AB में इसको मृत्युदंड और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। 302 के तहत मृत्युदंड और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। 363 में 7 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई गई है। 201 में 7 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। मात्र 18 कार्य दिवसों में यह निर्णय इस न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। इस वर्ष यह न्यायालय द्वारा दी गई दूसरी फांसी की सजा है। इससे पहले इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए हाथरस के SP विनीत जायसवाल ने बताया कि अभियुक्त चंद्रपाल ने बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव को नाले में फेंक दिया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और करीब 3 महीने के बाद कोर्ट ने बच्ची से रेप और हत्या के आरोपी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। जनपद हाथरस पुलिस की त्वरित कार्रवाई एवं वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना संपादित करने से तथा मिशन शक्ति के अंतर्गत हाथरस पुलिस एवं अभियोजन की सशक्त पैरवी के कारण करीब 3.5 माह पूर्व एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ हुए रेप व हत्या के मामले में आरोपी को घटना के मात्र 3.5 महीने के भीतर माननीय न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। आपको अवगत करा दें, करीब 3.5 महीने पूर्व थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र में एक 10 वर्षीय बच्ची की डेड बॉडी मिली थी, जिसके संबंध में थाना हाथरस जंक्शन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना के मात्र 72 घंटे के भीतर इसका सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार करके पुलिस द्वारा जेल भेजा गया था, जिसके उपरांत वैज्ञानिक और फॉरेंसिक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना समयबद्ध तरीके से संपादित करते हुए पुलिस द्वारा चार्जशीट माननीय न्यायालय में प्रेषित की गई थी। मिशन शक्ति के अंतर्गत हाथरस पुलिस एवं अभियोजन द्वारा इस घटना की सशक्त पैरवी की गई। सभी साक्षियों को, सभी गवाहों को समयबद्ध तरीके से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स को टाइम बाउंड तरीके से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस पैरवी के फलस्वरूप आज इस दुष्कर्म व हत्या की घटना के आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि न्यायाधीश प्रतिभा सक्सेना ने इसी साल 23 सितंबर को हाथरस की सिकंदर राव में रेप हत्या के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई थी। जिले में नाबालिग के साथ रेप हत्या के आरोपी को दूसरी बार पॉक्सो एक्ट में मौत की सजा सुनाए जाने से लोगों में न्यायालय से न्याय की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। हाथरस से सूरज मौर्य की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।